हेलो दोस्तों, मैं हिम्मत पार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यार, जैसे कि पता है 2020 साल खत्म होने वाला है और 2021 की एंट्री होने वाली है। तो यार, नए साल के साथ साथ जुड़ी होती है लोगों की नई उम्मीदें, और उन्हीं उम्मीदों में एक उम्मीद होती है नई कार लेने की। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 2021 में आने वाली सारी कारों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है टाटा की तरफ से आने वाली एल्ट्रॉस ईवी एडिशन। ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन ईवी लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, जिसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसकी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 लाख के अराउंड। नेक्स्ट आएगी मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट मॉडल, ये 2021 में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हम प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 लाख के आसपास। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रेनो की तरफ से आने वाली दो कार्स, एक होगी रेनो जोए और दूसरी होगी रेनो काइजर। रेनो जोए की प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 लाख के अराउंड, और रेनो काइजर की प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5.5 लाख के अराउंड। और होंडा भी इस रेस में पीछे नहीं है, होंडा अपनी ब्रियो फेसलिफ्ट 2021 में लॉन्च करेगा, जिसकी प्राइस हो सकती है 5 लाख के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जो कि है सेडान सेगमेंट। यहाँ पे आपको यार ऑलमोस्ट सारे मिलेंगी फेसलिफ्ट मॉडल। टोयोटा अपनी दो गाड़ियों का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाला है। फर्स्ट होगी टोयोटा यारिस 2021 फेसलिफ्ट मॉडल, जिसकी आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 लाख। और दूसरी होगी टोयोटा कोरोला, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी थी और होप करते हैं वो उसी लेवल की अब 2021 में आपको देखने को मिलेगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15 लाख। ह्यूंडई की तरफ से आने वाली है सोनाटा, जिसके आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19 से 20 लाख के बीच में। और किया की तरफ से आपको देखने को मिलेगी स्टिंगर, जो कि होगी 50 लाख के अराउंड। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इंडियाज मोस्ट फेवरेट सेगमेंट पे, जो कि है एसयूवी सेगमेंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी महिंद्रा की तरफ से आने वाली TUV 300 का फेसलिफ्ट मॉडल, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 12 लाख के बीच में। फिर बढ़ते हैं टाटा की तरफ। टाटा अपनी दो गाड़ी लॉन्च करेगा। फर्स्ट होगी जिसमें टाटा ब्लैकबर्ड, यानी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, जिसका प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 से 14 लाख के बीच में। और दूसरी होगी टाटा HBX, जिसको टाटा कह रही है कॉम्पैक्ट SUV होगी, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4.5 से 7 लाख के बीच में। फिर MG की तरफ से आएगी ZS पेट्रोल, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 से 14 लाख के बीच में। नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकती है फोर्ड की तरफ से आने वाली इको स्पोर्ट्स न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 12 लाख के बीच में। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना जिनका प्लान बनना 2021 में कार परचेज करने का। थैंक यू।